सीरीज़ में मेरा आज का सवाल है ये, डॉक्टर इमरान, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आज का, क्या खुदा से शिकवा कर सकते हैं? खुदा से शिकवा कर सकते हैं, किसका शिकवा? यानी मैंने जानमाज बिछाई और मैं रब के दरबार में हाजिर हो गया, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैंने आंखें बंद की, मैंने अपने सीने पर हाथ रखा, मैंने रब से अपने आप को कॉन्टैक्ट कर लिया और मैं ये शिकवा कर रहा हूँ कि मेरी सारी जद्दोजहद के बावजूद भी पता नहीं मेरा बेटा क्यों नहीं सुन रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मेरा शौहर नशे में क्यों जा रहा है? या अल्लाह, मैं क्या करूँ कि मेरे माशी हालात कुछ बेहतर हो जाएँ ताकि हम कर्ज़ से हमारी निजात मिल जाए? ज़ाहरी तौर पर ये शिकवा है, लेकिन शिकवा किसका है? अपने हालात का, या मेरे साथ अगर कोई बंदा ज़्यादती कर रहा है उसका। या अल्लाह, वो मेरे जो बॉस है उसके दिल में कोई रहम ऐसा डाल दे, मेरा सब कुछ करने के बावजूद भी वो आखिर मेरे साथ इस तरह का नफ़रत आमेज सलूक क्यों कर रहा है? बेसिकली आप शिकवा कर रहे हैं। ये सारे शिकवे, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे शिकवे जायज़ हैं। क्योंकि जब एक इंसान को कोई सुनने वाला ना हो तो फिर उसको पास रब की एक ज़ात ऐसी है कि जो आपकी सारी चीज़ें सुनने के लिए तैयार है। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि रब को तो सब कुछ पता है, फिर मेरा मसला हल क्यों नहीं कर रहा? तो ये रब की मशीयत है कि वो ये चाहता है कि आप उसके पास आएँ, बार बार आएँ, दुआ करें, तलब करें। हालांकि देने वाला वो है, तो क्या वो जो दिलों के हाल जानता है, जो आपकी सोच को जानता है, जो आपके ख्याल को का सफ़र ज़ुबान पे आने से पहले जानता है, तो वो जब ये सब कुछ जानता है तो फिर वो ख़ुद क्यों नहीं दे देता सारा कुछ? इसलिए कि उसकी मशीयत ये है कि वो, उसने हर चीज़ को जद्दोजहद के साथ और अमल के साथ जोड़ रखा है। तो वो ये चाहता है कि मेरे पास आओ, बार बार आओ, जब आपको ज़रूरत हो मेरे पास आओ। अच्छा, बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हिकमत है, जो नहीं आता उससे नाराज़ हो जाता है। मेरा रब जो उसके पास नहीं आता उससे नाराज़ हो जाता है, और जो आता है उससे वो खुश हो जाता है। आप वरना आप ये देखें कि अगर लेट सपोज हमारे किसी से भी हम कोई चीज़ तलब करने जाएं, मैं अपने बाप से कितनी बार आपके खाने में पॉकेट मनी मांग सकता हूँ, मैं अपनी माँ से कितनी दफ़ा अपनी चीज़ मनवा सकता हूँ, दूसरी तीसरी चौथी में कह के बस बस बहुत हो गई, अब ये वाली बात नहीं करना, अब नहीं मिलेगा, ऐसा ही है ना? लेकिन रब क्या कहता है कि जितनी बार मेरे पास आओगे, बार बार मेरे पास आओगे, मैं उतना ही खुश होऊंगा, और नहीं आओगे तो मैं खुश नहीं होऊंगा। तो अब ये जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर रब ये जानता है कि जिस चीज़ के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, जिस चीज़ का मुतालबा नहीं करेंगे, उसकी कदर भी नहीं करेंगे, तो इसलिए वो बगैर मांगे देता नहीं है, ऐसा है? अच्छा देखिए, बहुत सारे लॉज एक साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक और भी जो हमें हिकमत मिलती है कि रब ये कहता है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा देकर और लेकर, चाहे वो माल व दौलत हो, चाहे वो औलाद हो, यानी मैं खुशियां हो या गम हो, ये रब, क्योंकि हम एक आजमाइश से भी तो गुजर रहे हैं ना, हम एक एग्ज़ाम से भी गुजर रहे हैं, हमारे एक टेस्टिंग पीरियड भी जो है वो चल रहा है। लेकिन जो लॉज है, हिकमत है, वो ये है कि हर चीज़ को अमल के साथ उसने जोड़ दिया है। यानी दुआ, आप कितनी ही दुआ करते रहें, उसके साथ अमल ज़रूरी है। यानी अगर वो रिस्क आपके सामने तक भी पहुंचा दे अल्लाह ताला, तो भी उसको उठा के खाना आपको खुद पड़ेगा, चबाना पड़ेगा आपको, राइट? तो वो इसका मतलब है कि वो अमल के साथ है। शिकवा जो है, जो मना है, वो रब की ज़ात से शिकवा मना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी ज़माना बड़ा ख़राब हो गया। रिवायत कहती है कि ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रब ने अपने आप को ज़माना कहा है, ठीक है? तो अल्लाह तबारक व तआला ज़माने की कसम भी खाते हैं, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो अल्लाह कहता है कि मैं ज़माना हूँ। तो जैसे हम ये कहते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, ये शिकवा ये रब पसंद नहीं करता, राइट? क्योंकि जब उसने गर्मी दी है तो सर्दी भी दी है, उसने मौसम भी दिए हैं, और कितनी इस कायनात को बैलेंस करने के लिए वो गर्मी भी ज़रूरी है, वो सर्दी भी जो है वो ज़रूरी है। एक किसान जो है वो बारिश के लिए कह रहा है कि बारिश रुक जाए, मेरी अनाज ज़ाया ना हो जाए, उसी के बराबर वाला घर कह रहा है यार बारिश होती रहे ताकि मेरी फसल का पानी जो है वो मिल जाए। तो इज्तिमाई निज़ाम के अंदर बाज़फ़ा ये होता है कि कभी नुकसान हो रहा होता है, कभी फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन बहैसियत रब ना ज़ालिम है ना आपका नुकसान चाहता है, बल्कि उस नुकसान में आपसे अमल दरकार चाहता है कि आप वो जद्दोजहद करें। आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट जानते हैं कि हम अपने क्लाइंट को क्या चीज़ सिखाते हैं, क्रिएट चॉइसेस। यस,
ऐसे है ना, हम उसको कॉज साइड पे लाते हैं और उसको कहते हैं कि चॉइसेस क्रिएट करो, तो रब भी हमारे साथ ये कहता है कि आप चॉइसेस क्रिएट करो। इसी तरह जो एक बड़ी एग्जांपल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नरीना, जिनको आप अपने हाथ से कब्र के अंदर उतारते हैं और आपके आँखों से आंसू रवा है और सहाबा किराम आपकी तरफ देखते हैं और आपको कहते हैं कि सरकार आप भी, तो आप ये कहते हैं कि मैं बशर हूँ, मेरे जैसे बशर नहीं, आप सैयदुल बशर हैं, लेकिन बशरी तकाज़ा यही है कि एक वालिद है और उनकी एक नरीला औलाद है जो दुनिया से चली गई है, तो आँख से आंसू जारी हैं, ये हकीकत पसंदी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मैं शिकवा नहीं कर रहा हूँ, यानी मैंने ये नहीं कहा कि रब तूने मेरा बेटा क्यों ले लिया, रब तुझे मतलब लेना ही था तो दिया क्यों, क्योंकि इस तरह के सवाल हमारी ज़ुबान पर अक्सर आ जाते हैं ना, उस चीज़ से डेफिनेटली रब ने मेरे साथ ही जी ऐसा, ऐसा ही आपके पास बहुत सारे जो है वो क्लाइंट्स यही आते हैं, वो कहते हैं जी मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, जबकि ऐसा नहीं है, कोई ऐसा इस्तिस्ना नहीं है कि जो कोई शख्स जो है जिसके साथ कुछ ना हुआ हुआ हो। मैं कंक्लूजन पर आपको ये बात कह देता हूँ कि हमने अपनी 26 साल ज़िंदगी के अंदर, और आप भी एक बड़ी मशहूर क्लिनिकल थेरेपिस्ट हो, आज तक आपने कभी ऐसी कोई बीमारी सुनी है या किसी का वो ऐसा मसला सुना है कि जो सिर्फ उसी शख्स को हुआ हो और दुनिया में और किसी को ना हुआ हो? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि व्हाट इज़ सो अनयूजुअल अबाउट इट, ऐसे है ना कि इसका मतलब है कि ये मसला और लोगों को भी हुआ है। इवन जो सरकार ने जो इनकलाब अजीम दुनिया के अंदर बरपा किया और आपकी शरीयत रहती दुनिया तक के लिए हमारे लिए मशाल राह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने अंबियाओं को जितनी जितनी तकालीफ उनकी उम्मतों ने पहुंचाई है, उन सब की तकालीफ की मिला के भी मुझको ज़्यादा मैंने तकलीफ़ उठाई है। आप ये अंदाज़ा करें कि मैं और आप इतनी छोटी छोटी तकलीफ़ के ऊपर इतना मतलब शिकवे के ऊपर उतर आते हैं, और आप जिनको मॉडल हमारे हैं, जिनकी हमारी नस्बत है, उन्होंने तमाम नबियों की तकालीफ की मजमूई तौर से ज़्यादा तकलीफ़ खुद को उठाई है, और फिर हमें एज अ परफेक्ट मॉडल हमें मशलरा जो है वो दिखाई है। तो शिकवा जो मेरी कैफियत है उसको ज़रूर कहें, हर बात कह दें रब से, जो हो रहा है सब कह दें उनसे, मतलब मैं आपको एक जनरल बात बता रहा, आपका पेट ख़राब है वो भी कह दें कि मेरा पेट ख़राब है मेरे क्या हाल होगा, ये भी कह दें आप उस पर, लेकिन उसका ज़िम्मेदार और मोरद इल्ज़ाम रब को नहीं ठहराइए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ इंसान हम तुझको हलाकत में नहीं डालते तो खुद अपने आप को हलाकत में डालता है। डॉक्टर इमरान, मेरे नज़दीक आपकी इस पूरी गुफ्तगू का जुज़ ये है कि इस लफ्ज़ शिकवा को बदल दीजिए लफ्ज़ दुआ से, और जितनी दुआ करनी है आप अपने रब से कीजिए, अल्लाह बहुत खुश होता है।